जैक्सन मार्टिनेज के दो गोल की बदौलत कोलंबिया ने जापान को 4-1 से हराकर विश्व कप ग्रुप सी में लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए एशियाई चैंपियन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। ये मैच उस समय इतिहास में दर्ज हो गया जब फरीद मोंडरेगन विश्व कप फाइनल्स में खेलने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने रोजर मिला के रिकॉर्ड को तोड़ा। ये गोलकीपर 43 साल और 3 दिन की उम्र में मैच के अंतिम 6 मिनट में स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरा था। जापान के लिए मैच की शुरुआत काफी खराब रही। 15 मिनट के बाद ही यासुयुकी कोना ने एड्रियन रामोस को पेनल्टी क्षेत्र में गिरा दिया, जिसके बाद पुर्तगाल के रेफरी फ्रेडो प्रोवेंसा ने पेनल्टी किक का इशारा किया। फायोरेंटिन के स्ट्राइकर युआन क्वाड्राडो ने जापान के गोलकीपर इजी कावाहिमा को छकाते हुए गोल दागकर कोलंबिया को 1-0 से आगे कर दिया। जापान को भी मौके मिले। एसी मिलान के केइसुका होंडा का फ्री किक पर बाएं पैर से लगाया गया शॉट कोलंबिया के गोल से कुछ देरी से बाहर निकल गया। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।